आप में से हम सब लोग को ये तो कहा जाता है कि हमें मीट नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपको पता है क्यों? अगर आप ये जानना चाहते तो इसको लिए आप ये वीडियो पूरी देखें। क्या आप वेजिटेरियन हैं और अपने फ्रेंड से ये डिबेट नहीं कर पाते और उन्हें समझा नहीं पाते कि उन्हें भी मीट नहीं खाना चाहिए, तो मुझे आपको बताने समझाने के लिए बहुत असरदायक रहेगा कि आपको मीट क्यों नहीं खाना चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लोग मीट क्यों खाते हैं। बस एक ही कारण कहते हैं कि प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन। अब प्रोटीन तो सही है, लेकिन इसके कारण कैंसर भी हो सकता है। कैसे? आपको 5 साइंटिफिक वेज बताता हूँ क्यों हो सकते हैं। पहला है IGF-1, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन को मीट क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये मीट क्योंकि इसके कारण ये एक ग्रोथ फैक्टर है और ये एक हार्मोन है जो एनिमल्स के अंदर रहता है, अपने अंदर भी है। आपको पता है क्यों? जे लेकिन ये तो अच्छी बात है, एनिमल ये ग्रोथ फैक्टर है, ये सेल्स को बढ़ने के लिए मदद करता है, लेकिन इसकी अति होना अगर ये शरीर में ज़्यादा जाता है तो सेल्स को ज़्यादा ही बढ़ा देता है और इस कारण वो सेल्स कैंसर सेल्स में डेवलप होने लगते हैं और कैंसर सेल्स को धीरे धीरे करके बढ़ाने लग जाता है। और जे सेल्स को ज़्यादा बढ़ा तो देता है, लेकिन फिर उसे इस कारण फिर वो पुराने सेल्स रिमूव नहीं हो पाते, इस कारण एक कैंसर हो सकता है और जो आपकी डेथ भी कर सकता है। अब दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, जैसे कि एस्ट्रोजन और टेस्ट्रॉन। ये दोनों सबसे ज़्यादा इसके कारण ही सबसे ज़्यादा कैंसर्स होते हैं अमेरिका में, इससे ब्रीस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर होते हैं। और ये किस कारण होता है? इस कारण कैंसर इस कारण होते हैं क्योंकि ये मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स के ज़्यादा डाइटेरी फैट खाने के कारण होता है, आपको पता है। लेकिन आप मुझे कैसे जानना चाहेंगे कि इससे कैंसर कैसे हो सकता है? वुमन में एस्ट्रोजन रहता है, इसमें वुमन का एस्ट्रोजन हाई हो जाता है इसके कारण, और ब्रेस्ट कैंसर का बन जाता है क्योंकि इसमें मीट्स में हर मीट में एस्ट्रोजन होता है। तो ज़्यादा मीट खाने से ज़्यादा सिंथेटिक एस्ट्रोजन हो जाता है और इस कारण दिक्कत। इसका क्या है? इसके कारण हो जाता है कि ज़्यादा एस्ट्रोजन होने के कारण जो आपको बॉडी को फैट जो है उसे ज़्यादा एस्ट्रोजन करेक्ट करने की क्षमता बना देता है, और ज़्यादा एस्ट्रोजन होने के कारण कैंसर का रिस्क हो जाता है। पता है आपको जो जानना चाहेंगे कि आपको किस किस चीज़ों से खाने में जो हो सकता है। एक है एनिमल फैट जो कि हर चीज़ में रहते ही है, इसके रेड मीट, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें, मतलब सर मीट की और डेयरी प्रोडक्ट्स, आप ये समझ सकते हैं। आपको ये जानना चाहेंगे कि दूध तो अच्छी चीज़ रहती है, लेकिन फिर भी हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? बात ये है कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छी चीज़ रहती है, लेकिन कुछ कहीं कहीं जगह काउस को ड्रग्स दिया जाता है जिससे वो जिनकी ग्रोथ हो सके, और इस ग्रोथ होने के कारण उनकी ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन उसके अंदर जो मिल्क रहता है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, और उसके अंदर वो चीज़ें मिली होती जो हमें नहीं छीनी चाहिए, इस कारण कैंसर हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा जी आप जहाँ से भी लेते हैं दूध, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लें कि आपको हमेशा अच्छी दूध लेना है। अब तीसरा आता है प्रोटीन फर्मेंटेशन एंड हाइड्रोजन सल्फेट। ये एक्सेप्ट किया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो पीपल के बेनिफिशियल होता है क्योंकि फैटी एसिड के शॉर्ट चेन कर लेता है, लेकिन प्रोटीन फर्मेंटेशन जो अदर हैंड में है उस पर जैसे कि बहुत घटिया इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। आप हाइड्रोजन सल्फाइड वो है जो एक पॉइजन की तरह काम करता है और आपका दिमाग खराब पॉइजन है, और ये बहुत टॉक्सिक रहता है और ये अपने डीएनए को भी तक की डैमेज कर सकता है, और कैंसर का काम है कि डीएनए कैंसर काम ही है डीएनए का डैमेज करना, तो उसके कारण कैंसर तो हो ही गई। जो प्रोटीन फर्मेंटेशन है वो ज़्यादा राज कोलन में होता है। अगर आपको ये सब है या आपके परिवार या घर में कोई है तो आपको ये जानना चाहिए, आप उनको इनके टिप्स दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, और आप अपने ये प्रिवेंशन रख सकते हैं ताकि आपको कैंसर ना हो। पहला आता है कि प्रोटीन इंटक डाइटरी प्रोटीन को थोड़ा सा कम कर दे। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि डाइट और लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको वो ज़्यादा वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए। एक चीज़ देखा गया है कि जो फैट
ये सब मीट के फैट से ही होता है, लेकिन वेजिटेबल के फैट से ये कुछ भी नहीं होता। अब चौथा आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कैंसर को बढ़ावा देने के लिए। ये क्या है, कैंसर टिश्यू को बढ़ावा देता है। कैंसर्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल कैंसर का खाना है, और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बनता है या तो वो बढ़ने लगते हैं, ऑर्गन है नहीं तो फिर वो जो कैंसर के सेल्स रहते हैं बढ़ने लगते हैं। अगर कैंसर के सेल्स नहीं हैं तो फिर वो कैंसर की सेल्स ऑटोमेटिक डेवलप हो जाते हैं और फिर कोलेस्ट्रॉल खाने लग जाते हैं। तो इस कारण भी आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, और इसमें एक बैड कोलेस्ट्रॉल भी रहता है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी रहता है। गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है वैसे वैसे पाया जाता है, और मीट का जो कैंस जो रहता है कोलेस्ट्रॉल रहता है वो हमेशा वही रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है। मोटाजेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कुक्ड मीट। जब हम मीट को हाई टेम्परेचर में कुक करते हैं और ज़्यादा फ्लेम में जब जलाते हैं, फ्राई करते हैं, तब एक डेंजरस केमिकल फॉर्म हो जाते हैं। ये आखिरी रीजन है कि ह्यूमन को मीट क्यों नहीं खाना चाहिए। जे मोटाजेनिक का मतलब ये होता है कि आपके डीएनए को का डैमेज कर सकते हैं और कैंसर का रिस्क को बढ़ा सकते हैं, तो इस कारण ये भी दिक्कत हो सकता है। उसमें आप जान सकते हैं कि इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। एक है, इसमें कौन कौन से ऐसे तो हो जाते हैं मीट को ज़्यादा हाई करने से। एक है हीट रोट साइक्लिक एमिन्स, मतलब HCAS। दूसरा आता है पोरी साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, PAHS, HCHS। ये बहुत ज़्यादा म्यूटेजेंस है जो डिटेक्ट किए जाते हैं। ये ज़्यादा प्रोटीन के, प्रोटीन शुगर और अदर सब्सटेंस जो मसल मीट में है उसके उसके मिलाव के कारण। ये तो हर मीट में हो जाता है, लेकिन 300 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर होता है। तो इसलिए आप रीज़न जान चुके होंगे कि आपको मीट क्यों नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।